चलो बच्चों, रंग बताओ कितने होते हैं? पक्का? नेचर में 7 होते हैं और होते बहुत सारे हैं। अच्छा आप बताओ प्राची, रंग कितने टाइप्स के होते हैं, कलर्स? देखो हम पढ़ रहे थे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या हेल्प करती है हमारी, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं मेजरमेंट के टर्म में, तो यूनिट हमारी हेल्प करती है बताने में कि हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, कि हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, कि हम मास बोल रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ को बताने में। अब जैसे इस कमरे को पता करना हो कि कैमरा कितना बड़ा हो, तो हमें इस कमरे की कोई लेंथ बता दे, विड्थ बता दे और हाइट, तो हमें इस कमरे का क्या पता चलेगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, आप मीटर में भी पता कर सकते हो, एल ऐसे कर लो, लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ को अगर मीटर में लोगे तो विड्थ भी मीटर में लेनी पड़ेगी और हाइट भी मीटर में, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूबिक मीटर। मान लो 10 मीटर ए है, 20 मीटर ए है, 25 मीटर ए, तो ऐसे करके हमें पता चल जाएगा कमरा कितना बड़ा है। इस प्रकार हमें यूनिट हेल्प करती है चीज़ों को बताने में। अब बात है कि यूनिट्स हैं कितनी, तो इसका आंसर देते हैं बच्चों आपको। देखिए जैसे 7 होते हैं नेचुरल कलर्स, आप एक जानते होंगे जो हमारे रेनबो इंद्रधनुष में होते हैं, ट्रिक भी होती है इसकी, बिब ग्योर करके है यार, बिब ग्योर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, बिब ग्योर, है ना, ऐसे आप इनको याद कर लेते हैं हम इनको, इस 7। लेकिन कलर 7 ही क्या, नहीं, बहुत सारे कलर हैं, कई कलरों को अलग अलग मात्रा में मिला के नया कलर बनाया जा सकता है। तो बेसिक यूनिट तो ऐसा ही 7 ही है, 7, लेकिन टोटल ऐसा ही यूनिट की बात की जाए तो उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत हैं। तो अब जो ये बेसिक यूनिट कहलाती है, इनको सिर्फ ऐसा ही यूनिट कहा जाता है या फंडामेंटल ऐसा ही यूनिट कहा जाता है। और फिर जो बहुत सारी एसआई यूनिट आती हैं वो इन्हीं बेसिक एसआई यूनिट से मिलके बनती हैं, इनको कहा जाता है डिराइव्ड, इनको कहा जाता है डिराइव्ड एसआई यूनिट। तो पहले हम बेसिक एसआई यूनिट देख लें, है ना, तो चलिए देखते हैं हम बेसिक एसआई यूनिट, है ना, देखिए लिखिए उसी में टोटल फंडामेंटल टोटल नंबर ऑफ, है ना, ऐसा लिखना, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स आर 7। तो टोटल हमारी फंडामेंटल एसआई यूनिट्स कितनी हैं, 7। जानते हो 7 एसआई यूनिट्स को, जानते हो बच्चों आप लोग, लेट्स सी, है ना। तो देखिए बच्चों ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, तो यहां होगी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ होगी उसकी इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट, यहाँ होगी बच्चों उसकी एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों फर्स्ट नंबर की। अच्छा, पहली दूसरी तीसरी कोई भी नहीं है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। चाहे सातवें नंबर की पहले बोल दो, चाहे पहले नंबर की सातवें बोल दो, बस तो फिर आपको याद करना है, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले है हमारी लेंथ। लेंथ, लेंथ इसको आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर। क्या होती है? मीटर। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को मीटर में माप रहे हो तो कौन सी यूनिट में माप रहे हो? एसआई। इसके अलावा अगर सेंटीमीटर में माप रहे हो तो कौन सी यूनिट? सीजीएस। बात समझ आ रही है? अब मीटर को छोटा करना भी आना चाहिए हमें, बड़ा भी करना, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना आना चाहिए, किलोमीटर में भी, और भी नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, फेमटोमीटर, जेप्टोमीटर, ऑक्टोमीटर, एंगस्ट्रॉम, सब में ले जाना आना चाहिए। और आज ही आपसे सब में ले जाते बन जाएगा, पर आप याद कर लो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। दूसरी देखते हैं बच्चों, कोई भी दूसरी हो सकती है, लिख लेते हैं हम, तो दूसरी देख लेते हैं बच्चों मास। मास क्या है? किसी भी चीज़ में जो पदार्थ भरा रहता है ना, उसी को तो मास बोलते हैं। जैसे इस चौक का मास उतना ही होगा जितने इसमें चौक के पार्टिकल है। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मास को बच्चों आप स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डब्लू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और भी कई सिंबल होते हैं, उससे कोई पता, मास याद रखो। और मास को मेजर करते हैं बच्चों किलोग्राम में, किलो ग्राम केजी। और किस में हम मास को कह सकते हैं? ग्राम में भी कह सकते हैं, किलोग्राम में भी कह सकते हैं, अभी और होगा पिकोग्राम, नैनोग्राम, ठीक है। तो मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। बच्चों एक क्वेश्चन पूछें, आप लोग बताओगे? मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, वेट की एसआई यूनिट क्या है? ये बच्चे गलत कराते हो, सभी को लगता है वेट की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, क्योंकि वेट को हम किस में मेजर करते हैं? ग्राम, किलोग्राम में। गलत, वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन। नहीं पता न्यूटन? फर्स्ट टाइम सुना है। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की भी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, दोनों की एसआई यूनिट न्यूटन। अभी लिखवा देंगे हम और समझाएंगे कि ये कैसी होती है ना, ये पूछा गया है, बच्चे पता ही नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइम। टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है बच्चों सेकेंड, ऐसे या ऐसे, आप जैसा लिखना चाहो। टाइम के एसआई यूनिट होती है सेकेंड, है ना। सेकेंड को मिनट में, मिनट को आवर में, आवर को मिनट में, और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट हम करना अभी सीखेंगे, और भी सीखेंगे, ठीक है। तो ए तो हो गई हमारी यहाँ तक। अब देख लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों, अब टेम्परेचर को कई बार थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिख देते हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख लो थर्मोडायनामिक। बच्चों जितना भी पढ़ा है ना उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब हम अपने रोज जो डेली लाइफ होते हैं, तो हम जब न्यूज़ चैनल सुनते हैं तो उसमें हम जनरली सुनते हैं कि आज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 47 डिग्री सेल्सियस है ना, हम ऐसे सुनते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे भारत में, इंडिया में बोलचाल की भाषा में लोग सेल्सियस को जानते हैं। आप जाके बोलना कभी कहीं गांव में, कहना आज 25 केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन जानते ही नहीं। लेकिन आप जितने भी साइंटिफिक स्टडी करोगे उसमें टेम्परेचर किस में लिया जाता है? केल्विन में। ध्यान रखना है, केल्विन में। तो अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में, अभी सिखाएंगे। और एक और होता है फ़ारेनहाइट। अच्छा, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इनका सिंबल कैपिटल के होता है, केल्विन। अब देखें बच्चों, करंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट पता है क्या? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, टेम्परेचर का जो ए वाला सिंबल होता है ना, ए वाला सिंबल, वो होता है कैपिटल टी। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? I। और SI यूनिट में क्या होता है? कैपिटल A। जब भी एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, जब भी साइंटिस्ट का नाम आएगा तो कैपिटल सिंबल रहेगा। तो करंट का क्या है? एम्पियर। अभी के अभी याद करनी है बच्चों ये पूरी यूनिट्स। पांच हो गई। अब देखो अगली, क्या आपने ये सुनी है? देखिए बच्चों, अगली है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये बिल्कुल नई यूनिट आई और इसने केमिस्ट्री को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो आप कहोगे सर आप मास में या वेट में मेजर कर सकते हैं। सब्सटेंस। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो हम कहेंगे सर हम मास में या वेट में मेजर कर लेते हैं। लेकिन बच्चों अब बिल्कुल एक नई यूनिट आई है, बिल्कुल नई नई, अब पूरी केमिस्ट्री को उसने बदल के रख दिया है। आप वेट में मास में मेजर कर तो लेते हो अमाउंट को, लेकिन आजकल एक बिल्कुल नई यूनिट आई है जिसको आप पढ़ोगे अभी बहुत डिटेल में, इसने बिल्कुल मेजरमेंट को चेंज करके रख दिया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल भी बोलते हैं। मोल सुना क्या ये वर्ड? मोल सुना है? और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल n होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल भी बोलते हैं। और इसकी यूनिट पता है बच्चों क्या होती है? पता है क्या? मोल। कंफ्यूज हो गए ना? देखो मोल, जे नहीं है SI यूनिट, मोल। बोलने में एक सा लगता है, लेकिन आपसे SI यूनिट पूछी जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो कौन सा मोल लिखोगे? और बच्चों अब एक लास्ट SI यूनिट देखेंगे हम, जिसे भी आपने अभी तक बहुत ही कम सुना होगा। यस, चमक या प्रकाश की तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लिखो बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल होता है बच्चों आई, और आई के यहाँ बना देना तिरछा भी, दैट इज कॉल्ड न्यू। ये जो तिरछा भी होता है ना, इसको बोलते हैं न्यू, आई न्यू। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पता क्या बच्चों? पता है? नहीं पता, तब तो बोल नहीं रहे हो।
कैंडिला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी ए डी से या सी डी से, कैंडिला। बच्चों ये 7 एसआई यूनिट हैं, 7 एसआई यूनिट। चलो जल्दी से दो, अच्छा ये 7 ही एसआई यूनिट है लेकिन 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है, उनका यूज बहुत ही कम होता है, जनरली मैथ में होता है। थीटा जानते हैं आप लोग, थीटा वो भी एक एसआई यूनिट है। आप लोगों ने थीटा को ही क्या कहते हैं, आप लोगों ने कभी एंगल मीजर किए होंगे, मैथ वालों ने किए होंगे, तो एंगल को थीटा में मीजर करते हैं, उसी थीटा को बोलते हैं रेडियन। सुना कभी? तो वही हैं। तो आपसे कोई पूछे कि एसआई यूनिट्स कितनी है, तो आप क्या आंसर दोगे? 7। और आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि बेसिक एसआई यूनिट तो 7 है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं एसआई की, है ना। तो इसी के नीचे नोट लगाओ बच्चों, लिखिए अदर टू सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट, 7 के अलावा हमारी अदर 2 जो सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है, तो उसमें आपकी पहली है आपकी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको आप लोग बोलते हो थीटा, और इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, इसको आप आर ए डी भी लिख सकते हो। ये जो एंगल बनते हैं ना हमारे ऐसे आपके ए वाले, ये हमारे क्या कहलाते हैं? थीटा। अगली देखो बच्चों, एक और होती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका सिंबल होता है एसआर। देखो आपको थोड़ा बताएं सॉलिड एंगल कैसे होता है। जैसे कि ये प्लेन एंगल होता है तो 2 डायमेंशन में होता है, जे वाला, जे कहलाता है प्लेन एंगल, 2D में होता है, 2D, 2 डायमेंशन में होता है। जैसे आपने कभी छतरी देखी, छतरी, ठीक है, छतरी का ये हिस्सा समझ लो ऐसा, ठीक है, ए, ठीक है, और एक और बना दो थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से ऐसे मिला दे ए, और इसको भी यहाँ से मिला दे, और इसको भी यहाँ से मिला दे, इसको भी ऐसा मिला दे, तो यहाँ एक ऐसी नोक टाइप की बन जाएगी, ए ऐसी नोक टाइप की बन जाएगी, और ये चारों तरफ से क्या होगी? गोलाकार, है ना। तो ये जो यहाँ पर आप एंगल निकालते हो, जो एक 3D में एंगल निकालते हो, यहाँ ऐसा गोला नहीं होगा, ये जो आप ऐसा एंगल निकालते हो, ये जो गोलाकार आप एंगल निकालते हो, ये जो 3D में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बच्चों इतनी यूनिट जल्दी से याद करो, जल्दी से पूरी एसआई यूनिट्स याद